तो भाई बताएंगे कल हमने जो पढ़ा था कहाँ से थी नर्तक की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई गोपाल जी मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुई। अच्छा नवीन भाई बताएंगे धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई थी धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई थी काठियावाड़ तट पर दो स्थल थे उनमें से एक स्थल का नाम था क्या रंगपुर से क्या हुआ धान की भूसी। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थल खोजा गया वो कौन सा था राखीगढ़। उससे पहले कौन माना जाता था धोलावीरा। मोहनजोदड़ो शहर में सबसे बड़ा है ठीक है ना। अब बताओ भाई सौंदर्य प्रसादन की चीजें कहाँ से प्राप्त हुई थी काली बंकन का शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है ठीक है। इनके समाज में क्या क्या विशेषताएं थी ये सारी चीजें पढ़ी अर्थव्यवस्था पढ़ी राजनीति पढ़ी ठीक है। वो सारी चीजें आपको याद रखना। इसके भौगोलिक विस्तार को हमने देखा था तो सबसे पूरब में कौन सा स्थल था हड़प्पा सभ्यता और किस नदी के तट पर था। चलो भाई अजय प्रसाद जी बताएंगे सबसे उत्तर में कौन सा स्थान था कौन सा मांडा था मांडा। और संतोष जी बताएंगे किस नदी के तट पर था ये मांडा रावी की चिनाब चिनाब में। दक्षिण में कौन सा स्थल था गोपाल भाई दैमाबाद था ये किस नदी के तट पर था परपरा या गोदावरी बराबर ठीक। पश्चिम में उद्धव जी बताएंगे पश्चिम में कौन सा स्थान था सबसे पश्चिम में सुतकांगेर और किस नदी के तट पर है दासकुंड ठीक है। मुझे अमेंद्र जी बताएंगे मानेंद्र जी कि सबसे पहले जो कंकाल पाए गए थे पाषाण काल में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड ने 1863 में जब खोज की थी वो कहाँ पे पाई गई तमिलनाडु में पल्लावरम ठीक है। तो ये सारी चीजें याद है। आपकी खोज कब हुई कृषि की शुरुआत कब से हुई नव पाषाण पशुपालन की साक्ष्य प्रारंभिक दौर में कहाँ पे मिले थे हमें। अच्छा और उस स्थान का नाम क्या है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे आदमगढ़। और एमपी में पड़ता ही चित्रकला के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त भीमबेटका पूरा पाषाण काल से भीमबेटका से जो चित्रकला के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए सबसे ज्यादा चित्र हमें किस काल के मिलते हैं मध्य पाषाण काल ठीक है ना। वो सारी चीजें पहिए का आविष्कार कब हुआ नवपाषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था यहाँ पे जो सड़कें थी आपस में कितने डिग्री पर काटती थी 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे जल निकास की व्यवस्था उचित थी या बेकार थी उचित थी। यह शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है ठीक है ना। तो ये हमने कल पढ़ा कुछ कुछ चीजें जो छोटी होंगी उनको कर लेते हैं थोड़ा आज ठीक है। वैसे आप भी कोशिश करना थोड़ा बहुत रेयर चांस होगा जो छूट जाएगा तो उसको खुद से भी कर सकते हैं ठीक है ना। तो आज हम वैसे वैदिक काल पढ़ेंगे ठीक है ये ध्यान रखेंगे। नगर में है बड़ा नगर में स्वतंत्र भारत के बाद है तो राखीगढ़ी स्वतंत्र भारत से पहले वो क्षेत्रफल में है वो धोलावीरा सबसे बड़ा है। नगरों में अगर देखे तो तब मोहनजोदड़ो ठीक है ना। शहर एक प्रकार से सिटी है वो समझ लो बात ठीक। तो भाई हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये जो है व्यापार करते थे ठीक है ना। तो व्यापार में कुछ धातुओं का आयात करते थे तो ये कहाँ कहाँ से करते थे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे ये टिन था क्या था टिन तो टिन का आयात ये कहाँ से करते होंगे टिन का आयात करते थे अफगानिस्तान से। कहाँ से करते थे अफगानिस्तान से ठीक है जी। चांदी धातु से भी जो है क्या थे परिचित थे तांबा धातु से भी परिचित थे सोने से भी परिचित थे ठीक है ना। और कांसा तो इस समय बहुतायत रूप से प्रयोग किया गया तो चांदी का जो लोहा इस समय नहीं था सब लोहे का कोई हमें प्रमाण मिले है नहीं ठीक है। चांदी जो है कहाँ से आयात किया जाता है आपने सुना होगा राजस्थान में एक जगह है खेतरी वहां पे खान है इस चीज की ठीक है ना। तांबा और चांदी तो चांदी भी जो है राजस्थान से आता था कहाँ से आता था राजस्थान ठीक है ना। तांबा भी कर सकते राजस्थान आप
तांबा और चांदी कहाँ से आता था? एक लाजवर्द मणि हुआ करता था, एक धातु क्या था? लाजवर्द मणि। ये भवन निर्माण सामग्री में यूज होता था, ठीक है ना, लाजवर्द मणि। तो ये जो है मध्य एशियाई क्षेत्र मतलब अफगानिस्तान वाले एरिया से, वहां का नाम कहते हैं बदकशां। बदकशां यहां से इस आयात किया जाता था, लाजवर्द मणि कहां से आयात किया जाता था? बदकशां, ये अफगानिस्तान वाले रीजन में पड़ेगा, ठीक है, बदकशां। लाजवर्द मणि, चांदी कहां से आता था? राजस्थान। ब्रैकेट में खेतरी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? खेतरी। यहाँ पे है तांबे की खान, चांदी भी यहाँ से आयात किया जाता है। टिन कहाँ से आता है? अफगानिस्तान से। सोने का जो आयात किया जाता था उस टाइम पे, तो कर्नाटक में खाने हैं, ठीक है ना, तो इस सोना जो है कहाँ से आयात किया जाता था? कर्नाटक। पाषाण कालीन किस स्थल हुआ करता था? पिकली हल। राख के टीले जहां से प्राप्त हुई कहां था वो? कर्नाटक। रागी की खेती भी कहां से प्राप्त हुई हमें? कर्नाटक से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी हड़प्पा सभ्यता में, है ना, इतनी सी बात होगी। लिख लिया, ठीक है। आज हेडिंग ऐसा करेंगे तो भाई काला कर रहा है, वो दीजिए जरा कार खा दी साथ ही कर आज की हेडिंग डालेंगे आप वैदिक सभ्यता। क्या डालेंगे? वैदिक सभ्यता। कोशिश करेंगे आज ही खत्म हो जाए, है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया आज, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको पूरा करने की। हेडिंग क्या डाला आपने? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता का जो भाई वही हमारे जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, जैसे हम पढ़ ही रहे थे इतिहास को, यहाँ से आपके पॉइंट खुद ब खुद जो है निकल जाएंगे। पहले हम काल विभाजन पढ़ेंगे इसका, कि इसका समय क्या था, कालखंड देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके बाद हम इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे, भौगोलिक विस्तार देखेंगे, इसके बाद हम इसके समाज के बारे में, इसकी जो सामाजिक स्थिति क्या थी, कैसा इनका समाज हुआ करता था, इसमें हम जाति व्यवस्था भी पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था आज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। साथ साथ हम इनका राजनीति का है, इसी में आ जाएगा प्रशासन वगैरह, राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी जो शेष चीजें होंगी अन्य, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मोटा मोटा जो खाका है आपके पास, तो ये है इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इनका धर्म क्या था, तो ये अन्य में मैंने लिख लिया है, इसमें धर्म जो भी चीजें बचेंगी वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका काल क्या था, वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वो कब से कब तक था? 6000 में तो भाई साहब हड़प्पा सभ्यता भी नहीं, पाषाण काल आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल बताएंगे आप, कार्यकाल ही कहीं है ना, कालखंड 2150 से लेकर के 1750 कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। किसने करी खोज? कार्बन डेटिंग विधि की एफ लिबी फ्रैंक बिलियार्ड लिबी, पूरा नाम उसका ये था, फ्रैंक बिलियार्ड लिबी, 1946 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड था 2150 से लेकर 1750, और ठीक उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? वैदिक काल पढ़ते हैं। अब 2350 से लेकर के 1750, अब इसके बाद ठीक वैदिक सभ्यता आनी चाहिए थी, लेकिन वैदिक सभ्यता का जो ये है कालखंड है, ये 1500 से शुरू होता है और 600 तक, कब होता है? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। अब इस ये अभी इतिहास में बहुत सारी पहेलियां ही रहती है बनी हुई, ठीक है ना।
अभी 200 साल का जो लगभग अंतर है, 150-200 साल, इस समय क्या हुआ होगा इसका अभी तक जो है ये एक पहेली बनकर रहा हुआ है, ठीक है। इसके कोई भी हमारे पास प्रमाण अभी तक नहीं। तो कालखंड देखेंगे आप कब से कब तक, 1500 से 600। इसमें भी अगर हम देखें इस कालखंड में भी दो प्रकार से विभाजन होता है। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, दो भागों में। एक होता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, या इसी को हम क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक। और यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर वैदिक काल आएगा, ठीक है ना। तो इस कालखंड को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, वैदिक काल को दो भागों में। तो जो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो निर्धारित किया गया है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है ना। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 से लेकर के 600 हो जाएगा, 600 बीसी, ठीक है ना। तो ये इसका काल विभाजन है, ठीक है। अब हम एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि काल विभाजन हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। काल विभाजन के पीछे कारण क्या होते हैं, माना कि क्या कर दिया इसका काल विभाजन कर दिया हमने, तो ऐसा क्यों किया होगा, ठीक है। तो इसको समझ लो थोड़ा सा, ये इतिहास में काम आएगा आपके, एक कॉन्सेप्ट है, परीक्षा में पूछे ना पूछे लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। काल का विभाजन क्यों किया जाता है, एक तो भैया ये इतिहास है, हम अपनी सुविधा के लिए इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास अलग है, मध्यकालीन अलग है, और आधुनिक अलग है। तो काल विभाजन का जो एक कारण है वो क्या है, सुविधा, अपनी सुविधा के हिसाब से। काल विभाजन का एक कारण क्या है, सुविधा, कि अपनी सुविधा के हिसाब से, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं इतिहास को, ठीक है, या किसी भी कालखंड को। दूसरा कि इस समय के काल में दूसरे कालखंड की तुलना में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, परिवर्तन। और कुछ चीज इतिहास में हमेशा बने रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कृषि के साथ हमें यहाँ प्राप्त होगी, इसके बाद भी कृषि करेंगे लोग, है ना, मौर्य काल में भी कृषि होगी। तो कुछ चीज निरंतर चलती रहती है इतिहास में, क्या होती है, ठीक है। तो काल विभाजन का जो आधार होता है, एक तो सुविधा होता है, और एक जो परिवर्तन इनमें दिखाई देता है, जैसे हम मध्यकाल पढ़ते हैं उस समय बिल्कुल क्या आएंगे, मुस्लिम आक्रमणकारी आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो एक नया ही इतिहास हमें देखने को मिलेगा, तो उसको कहेंगे हम क्या, एक परिवर्तन है। और कुछ चीज निरंतर रूप से चलती रहती है इतिहास में, ठीक है। तो काल विभाजन का एक ये कारण होते हैं, तो ठीक है ना। अब हम इसको समझ के चलते हैं, नोट करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका अध्ययन हम क्या करते हैं, वेदों के आधार पर करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है ये वेदों के आधार पर किया जाता है, वेदों पर आधारित है पूरा वैदिक काल, ठीक है ना। क्योंकि इस समय चार वेद थे, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की पर आधारित होने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। पहले वेदों वाला समझ ले, वेद का मतलब होता है क्या, वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से निकला हुआ शब्द है, ठीक है ना। अब हम जब हिंदी पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। तो संस्कृत में एक धातु होता है विद धातु, क्या होता है, तो विद धातु से निकला हुआ शब्द क्या है, वेद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, क्या होता है, ज्ञान। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, नोट करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है ना। और इस संस्कृत भाषा के विद धातु से निकला हुआ है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वेदों पर आधारित है, वेदों के आधार पर हम इसका जो है अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम आर्य सभ्यता इसे क्यों कहते हैं,
ठीक है। जो आर्य शब्द है आर्य शब्द, आर्य कोई जाति विशेष को नहीं दर्शाता है, आर्य क्या है एक शब्द है अपने आप में, ठीक है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, क्या होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ, कुलीन, क्या क्या होते हैं श्रेष्ठ या कुलीन, हमें समझाता हूं कैसे हैं श्रेष्ठ। मैक्स मूलर जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग कहां से आए, तो एक मत है जो सर्वमान्य मत है, मैक्स मूलर एक व्यक्ति थे, क्या थे मैक्स मूलर, इसको ध्यान रखेंगे भैया, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार जो वैदिक सभ्यता के लोग थे ये जो है मध्य एशिया से भारत आए, कहां से आए मध्य एशिया से भारत आए, ये मत जो है सर्वमान्य माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार ये कहां से आए, वैदिक सभ्यता से संबंधित लोग कहां से आए थे मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना, कहां से आए थे मध्य एशिया में आर्य लोग रहते थे, और वो आर्य लोग कहां पे आए अफगानिस्तान और भारत वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये मानना था मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहां से भारत आए मध्य एशिया से, ठीक है। अब आर्य लोग श्रेष्ठ कैसे, आर्य का मतलब श्रेष्ठ कैसे है, अभी लोग क्या होते थे जो मध्य एशियाई लोग होते थे आर्य लोग, ये युद्ध करते थे, क्या करते थे युद्ध प्रिय भी होते थे ये लोग, ये युद्ध में रथों का प्रयोग भी करते थे, किसका प्रयोग करते थे साथ ही साथ इनके पास युद्ध के दौरान घोड़े भी होते थे, क्या होते थे, तो यानी कि इनके श्रेष्ठ होने के एक प्रमाण ये भी है, क्या है आर्यों को श्रेष्ठ कहा जाने के पीछे एक कारण ये भी है, समझ रहे हो मेरी बात को आप, ये युद्ध प्रिय होते थे, बाद बाद में धीरे धीरे जब भारत आए तो ऋग्वैदिक काल में घोड़े के इतने ज्यादा साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में तो धीरे धीरे हमें घोड़े के साक्ष्य ज्यादा प्राप्त होने लगे, तो श्रेष्ठ क्यों है ये कारण ये भी है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्य लोग भारत आए और यहाँ बस गए, इसलिए इस सभ्यता को क्या भी कहते हैं आर्य सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता को क्या कहते हैं आर्य सभ्यता, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम वेदों के आधार पर इस सभ्यता का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा वेद को समझ लेते हैं पहले, है ना, तो वेद लिखेंगे, वह हेडिंग क्या है और इम्पोर्टेंट, यहाँ से वन डे एग्जाम में या अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वेद हेडिंग डालेंगे आप, क्या डालेंगे वेद, वेद का आप शाब्दिक अर्थ समझ चुके हैं, तो वेद कितने होते हैं चार वेद, तो उनका नाम लिख लीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन जो वेद है संसार में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है कौन सा है ऋग्वेद। ये भी एक बात है कि अगर आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे तो वेदों का जो है प्रमाण अन्य जगह से क्यों नहीं मिले, है ना, विदेशों से क्यों नहीं मिले, तो इतिहास में बहुत सारी पहेलियां हैं स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक। दूसरा है यजुर्वेद, क्या है यजुर्वेद, तीसरा कौन सा है सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद ये अर्थवेद जैसा भी होता होगा, ठीक है ना, ठीक है अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं भाई चार है। तो वेदों को हम दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें संहिता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, या इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं श्रुति साहित्य, या अपौरुषेय भी कहते हैं, क्या कहते हैं अपौरुषेय, ये सारे नाम याद रखते हैं। वेद को अन्य किस नाम से जाना जा सकता है, संहिता भी हम वेद को कह सकते हैं, श्रुति साहित्य भी कह सकते हैं और अपौरुषेय भी कह सकते हैं। अब इनका अर्थ समझ लेते एक एक करके। संहिता का मतलब होता है संकलन करना, क्या होता है संकलन मतलब इकट्ठा करना। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उन्होंने संकलन किया इन वेदों को, तब जाके लिखा है, ठीक है ना। वेदों के संकलनकर्ता कौन है
महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो संहिता का मतलब क्या होता है? संकलन, ठीक है ना। श्रुति साहित्य का मतलब सुना हुआ ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान, ठीक है। पहले होता क्या था कि प्राचीन काल में लिपि का अभाव था, ठीक है ना। लिपि का अभाव था ना, तो उस समय पेपर हुआ करते थे लिखने के लिए पढ़ने, ठीक है ना। तो जब लिपि नहीं थी तो लिखना क्या था? तो होता क्या था कि जैसे कि उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल में, क्या होता था? उपनयन संस्कार, आगे पढ़ेंगे हम इसमें। तो शिष्य गुरु के पास जाता था, ठीक है ना। उप का मतलब होता है समीप, किसके समीप? गुरु के समीप जाना। तो उपनयन संस्कार में शिष्य जो है गुरु के समीप जाता था और ज्ञान का अर्जन करता था। तो गुरु अपने मुख से बोलता था और वो सुनता था, ठीक है, और उसको सारी बातें याद रखनी होती थी। तो धीरे धीरे, उस समय लिखने का तो था नहीं, तो गुरु जी जो पढ़ाते थे वो उसके शिष्य के पास जाती और दूसरे को सुना देता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन सुनकर वैदिक ज्ञान जो है आगे बढ़ा, समझ रहे आप। तो एक पीढ़ी से निरंतर दूसरी पीढ़ी में ये जो ज्ञान गया वो कैसे गया? सुनने के माध्यम से, समझ रहे हो। इसलिए वेदों को क्या भी कहा जाता है? श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। एक एक शब्द को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अपौरुषेय क्यों कहते हैं इसको? अपौरुषेय मतलब जो पुरुष से नहीं किया हो, ठीक है। जैसे कि ये वैदिक ज्ञान है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने तपस्या करी, या कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि भगवान ने स्वयं जो है तत्कालीन ऋषि मुनियों को क्या ज्ञान सुनाया अपने मुंह से, ठीक है, या उन्हें आत्म अनुभूति हुई होगी या भगवान ने स्वयं सुनाया होगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं नहीं लिखा गया ये ज्ञान, समझ रहे हो आप। तो इसलिए किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, इसलिए क्या कहा गया इसको? अपौरुषेय कहा गया, समझ रहे हो बात को। तो इस सारे समझ में आ गए, ठीक है। तो वेद कितने हमारे पास? क्या क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य भी कहते हैं, संहिता भी कहते हैं और अपौरुषेय भी कहते हैं। तो बात करते हैं एक एक करके। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहना, ठीक है। ऋग्वेद तो प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? विश्व का प्राचीन है भाई, भारत का नहीं बल्कि विश्व का प्राचीन। प्राचीनतम ग्रंथों में एक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है इसमें देवी देवताओं की स्तुति के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। क्या है? बहुत सारे देवी देवताओं की स्तुति के लिए इसमें 10,500 के आसपास मंत्र हैं। कितने हैं? 10,600। कहीं पे 621 लिखा होगा, कहीं पे 462 भी लिखा होगा, ठीक है ना। तो हम मोटा मोटा लेके चलते, कितने मंत्र हैं इसमें? 10,500, ठीक है, 10,500 मान के चलते। तो ऋग्वेद में किसका संकलन है? ऋचाओं का, यानी कि ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, ठीक है ना। तो ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का एक संग्रह है, समझ रहे हो आप। तो लिखते चलेंगे, ऋग्वेद है क्या? ऋचाओं का, ऋचाओं या ब्रैकेट में आप मंत्र लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, मंत्रों का संग्रह है। और सबसे पुराना वेद भी क्या है? ऋग्वेद है। अब इसमें जो इसका प्रसंग है या विषय कह सकते हैं आप, इसका विषय क्या है? इसमें देवी देवताओं की स्तुति के लिए क्या है? मंत्र है, यानी कि इसका विषय क्या है? देवी देवताओं की स्तुति, देवी देवताओं की स्तुति है भाई। इसका विषय क्या है? देवी देवताओं की स्तुति करना है, ठीक है। जितने भी मंत्र है वो देवी देवताओं से संबंधित है, समझ रहे हो आप। इसके बाद इस वेद को कई मंडलों में बांटा गया, कई जो है सूक्त में बांटा गया। इसमें बहुत सारे सूक्त हैं, बहुत सारे मंडल हैं, बहुत सारे अष्टक भी हैं और बहुत सारे वर्ग भी हैं, उन सब को लिख के जाना। इसमें जो है मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगर प्रश्न आएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल के बारे में हमने पढ़ना है, एक एक मंडल, उसके ऋषि कौन थे, कौन से मंडल का ऋषि कौन था, वो सारी चीज आपको याद। 8 अष्टक थे, क्या थे? 8 अष्टक थे, ठीक है ना। 2006 वर्ग थे, 2006 क्या थे? मतलब किताब के भीतर छोटे छोटे पार्ट थे एक प्रकार से, समझ रहे हो आप। 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 2006 क्या है? 1028 सूक्त है,
सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। और साथ साथ मंत्र में एवरेज लिख रहा हूँ भाई 10,500, कहीं पे 10,462 है, कहीं पे 10,600 कुछ है, मंत्र है ये 10,500 मंत्र, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में ये सारी चीजें हैं। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है विश्व का? ऋग्वेद। इसमें क्या है, मंत्रों का एक संग्रह है ये। जो मंत्र किसके लिए है? देवी देवताओं की स्तुति के लिए है। इसमें 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 2006 वर्ग है और कितने 100 साथ साथ मंत्र कितने हैं? 10,500। अब इन मंत्रों का कोई ना कोई व्यक्ति उच्चारण तो करता होगा, है ना। जैसे हमारे वर्तमान में क्या होता है, पुरोहित होता है, तो इसका जो पुरोहित होता था एक प्रकार से जो मंत्रों का उच्चारण करता था, तो कौन होता था? होत्री होता था, तो होत्री लिखेगा, ठीक है ना। होत्री या कहीं कहीं पे होता भी लिखा होगा, ठीक है ना। तो दोनों, तो ये जो मंत्रों का उच्चारण करता था, ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे उनको कौन पढ़ता था? होत्री पढ़ता था, या ब्रैकेट में होता भी जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, इतनी मोटी मोटी अभी इतनी रख लो ऋग्वेद में, ठीक है। अब हम यजुर्वेद की बात करते हैं। अब होता क्या था कि जो वेद थे हमारे, ये थोड़ा सा पढ़ने में कठिन थे। इनकी भाषा क्या थी? एकदम प्योर संस्कृत थी इसकी भाषा, क्या थी? एकदम शुद्ध संस्कृत जिसे कहते हैं, जो कि पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, तो आम जनमानस के समझ में तो नहीं आएगा। तो उनके लिए फिर उपवेद बनाएंगे, उनके लिए अगर किसी को वो भी समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए आरण्यक बनाएंगे, जिनको वो भी समझ, तो लास्ट में वेदांग बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे? उपनिषद जैसी चीजें बनाएंगे। तो ये क्या थे, थोड़ा कठिन थे समझने के लिए, आम जनमानस के लिए क्या थे, ये कठिन थे, बहुत टफ थे, ठीक है ना। तो यजुर्वेद साहब, अब क्या है यजुर्वेद, यजुर्वेद इसका विषय क्या था? देवी देवताओं की स्तुति संबंधित है। अब यजुर्वेद जो है, दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध का, युद्ध से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे लिखेंगे? यज्ञ और युद्ध से, या बलि से लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें जो मंत्र होंगे वो यज्ञ से संबंधित होंगे, युद्ध से संबंधित या बलि से संबंधित होंगे, ठीक है ना जी। इसको जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था, है ना, उसे कहा जाता था अध्वर्यु, ऐसा होता था, ठीक है ना। इसके जो मंत्र उच्चारण करता था वो कौन होता था? अध्वर्यु होता था, ठीक है। ऋग्वेद में यहाँ पे लिख लेंगे, इनके जो क्या होते थे, उपनिषद भी होते थे, क्या होते थे? उपनिषद, उपनिषद, है ना। तो इसके दो उपनिषद हैं, कितने हैं ऋग्वेद के? दो, ठीक है, दो उपनिषद हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण भाई उपनिषद नहीं, ब्राह्मण लिख लिया आप, क्या है ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। प्रत्येक वेद में समझने के लिए और खंडों में बांटा गया था इसका, जैसे कि अगर वेद समझ नहीं आए तो आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए इसके, ताकि आपको समझ पाए। तो दो ब्राह्मण ग्रंथ थे ऋग्वेद के, एक ऐतरेय ब्राह्मण और एक कौशिक की, ऐतरेय। ये सारे प्रश्न आते हैं मेरे पेपर में, कहीं से पूछ सकता है, ठीक है, वन डे एग्जाम में ऐतरेय या प्रीलिम एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की, कौशिक की, तो दो ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं ऋग्वेद के? कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो, ऐतरेय एवं कौशिक। ये सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ा हमने, यज्ञ युद्ध या बलि से संबंध है, और इसको पढ़ने वाला कौन था? ऋग्वेद को पढ़ने वाला कौन था? होता या पुत्री, ठीक है ना। अब इसकी भी कितने ये थे, यजुर्वेद को जो है वैसे दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद के कितने भाग है? दो, एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। तो इसको लिखेंगे, यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण। तो कृष्ण आता कृष्ण पक्ष पे आता है, शुक्ल पक्ष आता है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद कितने प्रकार है? यजुर्वेद के दो प्रकार। अब एक यजुर्वेद जो है गद्य में लिखा गया है और एक पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद किन गद्य और पद्य दोनों में है, तो एक किस में है?
गद्य एवं गद्य प्लस पद्य दोनों में। गद्य का मतलब होता है जब आप जैसे पढ़ के ले जाते हैं और पद्य का मतलब होता है कविता के तौर पर, समझ रहे हो? तो गद्य और पद्य का प्रयोग किस वेद में किया गया था? और जब गद्य और पद्य का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं चंपू शैली। क्या कहते हैं? चंपू शैली। तो चंपू शैली का प्रयोग किस वेद में किया गया? यजुर्वेद में किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे इसको समझने के लिए, है ना? इसके इसके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, इसका ऐतरेय था और इसका तैतरीय था। क्या था? तैतरीय। ठीक है, तैतरीय ऐसे लिखो या जैसे भी लिखते हो, ठीक है, तैतरीय। एक तो तैतरीय था और दूसरा क्या था? शतपथ ब्राह्मण। ये ध्यान रखेंगे भैया, परीक्षा में आते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से, तो ये यजुर्वेद से। ठीक है, अभी पूछूंगा मैं। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ थे? ऐतरेय और कौशिक। इसकी क्या है? तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये वन डे एग्जाम सारे अभी तक जितना भी पढ़ा है ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम अगले वेद पे आते हैं, सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक जो है किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। ठीक है, तो लिख सकते हो वहीं पे आप, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। इसका संबंध किससे है? संगीत से। संगीत से। इसमें वेदों में छंदों का भी वर्णन है। किसका? छंदों का। छंदों का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो इसका विषय क्या है? छंदों का गायन। इसका विषय क्या है? छंदों का गायन। यानी कि हम कह सकते हैं किससे संबंध है? संगीत से। ठीक है, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। ठीक है, अब इसको भी कोई पढ़ने वाला होगा, इसमें जो छंद होंगे उसको पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? उद्गाता। क्या कहा जाएगा? उद्गाता, यानी कि गाने वाला व्यक्ति हो, उद्गाता कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? उद्गाता। ठीक है, उद्गाता, समझ में आ? ठीक, अब इसके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, कहीं कहीं पर दूसरा लिखा हुआ है सब, है ना? हाँ, तो उद्गृहता ऐसा कुछ लिखा होगा, उद्गृहता ऐसा कुछ लिखा होगा, उद्गृहता कुछ करके ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो उद्गाता ही है वो। ठीक है, दूसरे पे दूसरा नाम है इसके लिए, लेकिन इसी के समान है वो, तो उद्गाता है ये। ठीक है ना? हाँ, जो भी होगा। ठीक है, तो आप ही नोट करके रखिएगा, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो छंदों का गायन इसका विषय है, इसको पढ़ने वाला कौन है? ठीक, इसके ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे तीन। कितने हैं? तीन ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, पंचविश, पंचविश नंबर एक है, पंचविश, पंचविश, षडविश और तीसरा है छंदोज्ञ। ठीक है ना? छंदोज्ञ, ये सारी आपको याद करने में। ठीक है, सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तीन ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये सारी चीजें याद करनी है। छंदों का गायन इसका विषय है, उद्गाता इसको इन छंदों का गायन करने वाला है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तीन। अथर्ववेद की बात करते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है, इन तीन वेदों में लगभग लगभग समानता है, समझ रहे हो आप? और जो अथर्व वेद है ये बिल्कुल इनसे भिन्न है। इसका संबंध जादू टोने से है, वर्तमान जीवन से है, हमारे सामान्य जो जीवन चल रहा है इससे संबंधित है अथर्व वेद। जादू टोना, वसीभूत करना, ठीक है ना? है ना, कई आते हैं कि वसीभूत करने वाला, ठीक है, अगर आपका वो संबंध खराब है ना, तो ये सारी चीज यहाँ पे सुधरती है। ठीक है, तो इन वेदों में समानता पाए जाने के कारण इन तीनों वेदों को सम्मिलित रूप से कहते हैं वेद त्रयी। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। तो प्रश्न आता है कि वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद। समझ रहे हो आप बात को? तो इन तीनों वेदों में समानता के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। और दूसरे आधार पर भी ऐसे भी कह सकते हैं कि इन वेदों का जो ये हो गया था संकलन हो गया, तो पहले हो गया था अथर्ववेद, बहुत बाद में लिखा गया, समझ रहे हो बात?
तो वेद त्रय किन्हें कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब अथर्ववेद पे आते हैं सर। अथर्ववेद, अथर्ववेद का विषय क्या है? वही ठीक है ना, जादू टोना वसीभूत, जादू टोना वसीभूत, व्यापार वगैरह से, ठीक है ना। इसका संबंध किससे है? जादू टोना वसीभूत वगैरह से, ठीक है। इसका जो जैसे यहां पे था उद्गाता, इन छंदों को गायन करने वाला था, तो यहां पे कौन होगा? उसे कहते थे ब्रह्मा। इसका पुरोहित कौन है? ब्रह्मा, भगवान जी नहीं, अब जो पढ़ने वाला था उसका नाम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको नोट करनी है, समझ पा रहे हैं सर? तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ था, एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ आप लिख रहे होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ मैं हेडिंग ही डाल रहा हूँ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है भैया, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? किस वेद से? यजुर्वेद से। चंपू शैली का संबंध किस वेद से है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? तैतरीय ब्राह्मण का संबंध किससे? गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? उद्गाता किसका होता है? अध्वर्यु कौन होता है? यजुर्वेद। और होत्री कौन होता है? ठीक है। तो ये सारी चीज आपको याद करनी है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां से आए थे? समझ रहे हो? ठीक है। अब हेडिंग चलो इसी को कंटिन्यू कर दें थोड़ा सा और। अथर्व और अंगिरस दोनों ऋषि का सहयोग है, इसीलिए तो अथवार अंगिरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। उन दोनों ऋषियों का क्या था? योगदान है यहाँ। अब चलो इन्हीं को देख लेते हैं, इसको समझने के लिए कुछ अन्य चीजें भी बनाएंगे, ठीक है। तो उनको ही देख लेते हैं पहले। जैसे कि आप डालेंगे, आप हेडिंग क्या डालेंगे? उपवेद। क्या लिखेंगे? उपवेद। इनको समझने के लिए क्या क्या बनाएंगे? उपवेद बनाएंगे, आरण्यक, आरण्यक बनाएंगे। तो यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं उपवेद। क्या डाल रहा हूँ? उपवेद। पर इधर लिख रहा हूँ मैं विषय, इनका इनका विषय क्या था? उपवेद और विषय, ठीक है। ऋग्वेद को समझने के लिए, ऋग्वेद में एक उपवेद था, वो कौन था? आयुर्वेद। यहाँ पे लिखेंगे आप आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और साथ साथ में यहाँ पे लिख लेता हूँ परिणीता कौन थी, ठीक है ना। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? नहीं है पता। सामवेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद ही पता था आपको। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। किसका है? यानी कि यजुर्वेद का संबंध किससे था पहले? युद्ध से था। तो धनुर्वेद का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? युद्ध में ही करेंगे ना, धनुर्विद्या का। तो इसका है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। ऊपर से थोड़ा कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। युद्ध से किसका संबंध था? तो इसका अथर्ववेद का संबंध है वास्तुकला से भी है, और साथ में वशीकरण, ठीक है, जादू टोने से भी। वास्तुकला, वशीकरण, जादू टोना, तो वास्तुकला से संबंध है। तो इसका उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। शिल्प के अंदर ही हम कला पढ़ते हैं, जैसे वास्तुकला हो गया, ठीक है ना। अब सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, है ना। तो इसका उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। ये सारी नोट करके आपको याद भी करनी है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। इसका गंधर्व और शिल्पवेद। ये सारी चीजें कर्म से आपको याद रखनी है।
तो आयुर्वेद का परिणेता भी था कोई, ठीक है ना। आयुर्वेद के परिणेता कौन थे? तो धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी, ठीक है ना। आयुर्वेद के परिणेता कौन थे साहब? धन्वंतरी। धनुर्वेद के परिणेता कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र। गंधर्व वेद के नारद मुनि, वीणा रहता है ना उनके हाथ में, तो बजाते रहते उसको, चलो जी जैसे क्या बोलते हैं संगीत जो भी बोलते, ठीक है, नारायण नारायण। तो नारद मुनि इसके परिणेता कौन थे? नारद मुनि, ठीक है। अब इनका जो है, जो विश्व का प्रथम इंजीनियर कहा जाता है भारत का, भाई भारत का प्रथम इंजीनियर कौन है? विश्वकर्मा। तो इसके परिणेता कौन है? इंजीनियर किस काम आएगा? वास्तुकला भी इंजीनियर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? विश्वकर्मा। भारत का पहला इंजीनियर किसे कहा जाता है? विश्वकर्मा। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी क्रमशः, ठीक है ना। अब जो है इनका विषय भी होगा कुछ, है ना, कि आयुर्वेद का संबंध किससे होगा। आयुर्वेद का मतलब भाई साहब ने भी वो कर रखा है आयुर्वेद से संबंधित चीजें, तो इसका मतलब चिकित्सा से संबंधित होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इसका विषय लिखेंगे आप चिकित्सा, क्या लिखेंगे? चिकित्सा से संबंधित। जो यजुर्वेद है ये किससे संबंध होगा? युद्ध से संबंधित लिख लीजिएगा आप, एक्सप्रेशन के साथ कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना, युद्ध, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है? युद्ध से। और सामवेद का संबंध किससे है? ठीक है, संगीत से संबंधित, ठीक है ना, संगीत से संबंधित। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद का संबंध विश्वकर्मा, ठीक है, उससे भी है, शिल्प वेद से भी है, वास्तु से, वास्तुकला से संबंधित हो जाएगा, उससे हो जाएगा वास्तुकला। जी जी, अपनी कॉपी के बारे में शायद ज्यादा जानेंगे, है ना, ठीक है। तो मानिंदर जी बताएंगे जरा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे? ऋग्वेद से, ठीक है। आप बताएंगे साहब अजय भाई, गोपत ब्राह्मण जो था, गोपत ब्राह्मण, इसका संबंध किससे था? सामवेद से। किसका संबंध था? सामवेद से। किस ब्राह्मण ग्रंथ, तीन ब्राह्मण ग्रंथ थे सामवेद में, पंचमी सर्विस और छंदों के, और जो मैंने आपको पूछा गोपत ब्राह्मण, उसका संबंध है गोपाल जी बताएंगे। यजुर्वेद को चंपू शैली में लिखा गया है ना, तो चंपू शैली में क्या क्या चीजें आती है, किसे कहते हैं चंपू शैली, बताने की कोशिश करेंगे। जो पद्य और गद्य में लिखा गया है, कोई भी अगर काव्य लिखा जाता है, कोई भी अगर आप किताब लिख रहे हैं, अगर पद्य और गद्य दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, उस शैली को क्या कहते हैं? चंपू शैली, ठीक है। हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे थोड़ा सा चंपू शैली जब पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? धनुर्वेद। विश्वामित्र किससे संबंधित है? विश्वामित्र का संबंध है, अभी हमने यजुर्वेद के बारे में। सामवेद का संबंध किससे है, कौन से उपवेद से है? इसका एक मिनट,